चाहूंगा आप थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करें, क्योंकि किस तरीके से यह फायदेमंद होगा और ट्रेड के अंदर में ये किस तरीके से एक नई ऊर्जा लेकर के आ सकता है। और चूंकि एग्री इंडेक्स और फिर उसके बाद में ये सब इंडेक्सेस जैसा कि इक्विटी मार्केट के अंदर देखते हैं कि एक मेन इंडेक्स है, फिर उसके बाद उसके सब इंडेक्सेस यहाँ पे अपन देखते हैं, बैंकिंग इंडेक्स अलग है, फार्मा इंडेक्स अलग है, ऑटो इंडेक्स अलग है, इससे पूरा सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, कितना परफॉर्म कर रहा है पता चलता है एक इन्वेस्टर। सेम एज ये इंडेक्सेस उस सेक्टर का भविष्य बता पाएंगे, उसकी ग्रोथ बता पाएंगे और इसका कितना बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलेगा, और साथ ही हम उस छोटे ट्रेडर की भी और फार्मर की भी बात करेंगे उनको किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद सुरेश जी एंड सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सबसे पहले जब हम ट्रेड की बात करते हैं, अरुण जी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया, बट फ्रेंकली मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है जो एक्सचेंजेस देख रही है या हम लोग अभी देख रहे हैं। पहला आपको समझना है कि मुझे कमोडिटी में इन्वेस्ट करना ही क्यों है, और मेरे पास जब निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से ट्रेड होते हैं, वीकली एक्सपायरी है, तो मैं कमोडिटी में काम ही क्यों करूँ। तो पहला आपको समझना है कि कमोडिटी एक सुपर साइकिल में है और एक असेट क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जब इंडेक्स की बात करते हैं या ऑप्शन और बोर्स की बात करते हैं, एक्सचेंज और रेगुलेटर काम तो कर रही है, बट एज ए लेमैन अगर मैं किसी से बात करूं उनसे पूछू कमोडिटी में, तो सबसे पहले जैसे अरुण जी ने भी कहा कि मुझे डर क्या लगा रहता है, सर मैंने सुना आपका एक लॉट साइज है जो 100 मेट्रिक टन का है, तो अगर मैंने ले लिया तो मुझे क्या 100 मेट्रिक टन घर पे ले जाना पड़ेगा क्या। तो ये जो डर और अनसर्टेनिटी, इसको हम बोलेंगे लैक ऑफ नॉलेज। मार्केट में नॉलेज बहुत कम है अभी भी, आज हम 18 साल गुजार चुके हैं कमोडिटी में, मैंने पूरा मेरा कैरियर कमोडिटी से स्टार्ट किया था और आज 18 साल से कमोडिटी में ही हूँ मैं। तो आज भी मुझे मतलब जब सवाल आते हैं तो ऐसे आते हैं, हम गोल्ड कैसे ले सकते हैं, या हम अगर सोयाबीन है तो सोयाबीन को कैसे लेंगे, कितनी क्वालिटी आएगी। तो इसका मतलब मार्केट में पहला चीज मुझे जो लगता है मिसिंग है वो है कॉन्फिडेंस। आज इक्विटी जिस ढंग से ट्रांसपेरेंट है वैसा कमोडिटी अभी भी नहीं हुआ। नो डाउट रेगुलेटर में हमने एफएमसी का रोल देखा, लेकिन सेबी जब से प्रीव्यू में आई है तो सेबी ने इस चीज को समझा और एक्सचेंज को भी गाइड किया, और एक्सचेंज ने भी उतने ही उत्साहित होकर हमने देखा ऑप्शन ऑन गोल्ड और इंडेक्स को लॉन्च किया। अब जैसे कि आपका पहला सवाल था कि इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले बात क्या निकलती है, यार मार्केट बहुत तेजी में है, कितना आ गया 60,000 सेंसेक्स हो गया, 18,000 निफ्टी हो गई, तो एक बैरोमीटर एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीटेक्स, तो एग्रीटेक्स जब हम बात करते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल एग्री कमोडिटी में हो क्या रहा है। सेकेंडली हमारे यहाँ पे एक विडंबना ये भी है जब हम किसी से बात करते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए अदर एसेट क्लास के अंदर, तो अदर एसेट क्लास होता क्या है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड। अगर किसी को समझाएं कि देखो इक्विटी इज अ रिस्क पार्ट, इक्विटी में रिस्क रहता है, तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी एंड डेट फंड ही है। लेकिन आज अगर हम होलिस्टिक वे में जाएं तो हमारे पास डेट के अलावा भी गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में हम रिवाइज वर्जन देखें तो रिट्स आ गए। ऐसे एग्रीकल्चर में आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज का रोल। हम लोग फिजिकली तो कमोडिटी बाय करते हैं पर डिजिटली नहीं करते, तो हमारा नारा होना चाहिए फिजिकल से निकल के डिजिटल में आइए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, दो बहुत अच्छे उदाहरण है। हमने 2016 में देखा था डीमोनेटाइजेशन हुआ, इक्विटी मार्केट क्रैश कर गया, कमोडिटी का क्या हुआ, गोल्ड का भाव कहाँ गया, जो 32,000 का सोना था वो हाजिर के अंदर 50-55 के भाव कोट होने लग गए। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर ऐसी कुछ कंसर्न होगी तो लोग इक्विटी से निकल कर कमोडिटी की तरफ जाएंगे। सेकेंड मैं बताता हूँ पैंडमिक, आज जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था पिछली बार, मैं आप पूरे पैनल को और जितने भी हमारे पार्टी से इनसे पूछता हूँ कि अगर आपके जैसे आपका अनाउंसमेंट समझ में आए कि ये लॉकडाउन हो गया और ये लंबा चलेगा या तो हफ्ता 10 दिन चलेगा, इमीडिएटली लोगों ने अपने घर में राशन भर भर के रखी, तो आप फिजिकली चना भर के रखना चाहते हो, फिजिकली तेल रखना चाहते हो, लेकिन आप उसको डिजिटली नहीं देख रहे हो। तो ये डिजिटल का युग है और एक्सचेंज में और रेगुलेटर ने जो प्रोडक्ट्स लाए आप उसको समझिए। तो सबसे पहला है रिटर्न्स का, तो आज अगर मैं देखूं पिछले 1.5 साल के अंदर कमोडिटी डबल हो गई है। आज पैंडामिक में मेरे पास 100 साल का डेटा है, मैं अभी भी शेयर कर सकता हूँ, जब भी ऐसा पैंडामिक हीट होता है आप समझिए इन्फ्लेशन भागता है। तो सबसे पहले हमको समझाने की जरूरत यह है कि आप
इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हो? कि ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। लेकिन इन्फ्लेशन होता किससे है? इन्फ्लेशन होता ही है कमोडिटी के भाव बढ़ने से। तो व्हाई डोंट यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन कमोडिटी? और अब जो इंडेक्स, जैसे अरुण जी ने बताया कि ये इंडेक्स अभी लॉन्च हो चुकी है, सेक्टोरियल इंडेक्स भी आ चुके हैं, तो अगर आपको इन्फ्लेशन में इन्वेस्ट करना है या इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो आज कैपेबल है कमोडिटी। पहले गोल्ड हम फिजिकल लेते थे, अब डिजिटल माध्यम से लेने लगे। तो वैसे ही आज कमोडिटी में काफी कॉर्पोरेट से मैं टच में रहता हूँ, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि 12 महीने का अगर मुझे परचेजेस करने हैं तो एक्सचेंज से हम पार्ट बाय पार्ट करके ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे मेरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एग्रीडेक्स के अंदर मेरा कुछ प्रोपोर्शन डाइवर्ट करके चल सकता हूँ। आज आप कोई भी इक्विटी उठा के देख लीजिए, आज रबर के स्टॉक्स होते हैं हमारे पास, शुगर के स्टॉक्स होते हैं, स्टील के स्टॉक्स होते हैं। तो आज अगर आपका एक्सपोजर रबर में है और कल को अगर क्रूड में बड़ा क्राइसिस आता है, करेक्ट होता है, रबर प्राइसेस में गिरावट आती है, तो यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको वो लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। क्योंकि शेयर बाजार में भेड़ चाल चलती है, जब मार्केट में तेजी होती है तो हम देखते हैं वन साइड तेजी होती है, लेकिन कमोडिटी फंडामेंटल पे चलती है। आज तेल के भाव में हमने जो तेजी देखी है, कोई ये एकाएक की तेजी नहीं, ये पूरा एक एनवायरमेंट तैयार हुआ था कि डिमांड इंप्रूव हो रही है, सप्लाई साइड कंसर्न बना हुआ है, जिसके चलते ये तेजी आई है। तो आप समझिए कि अगर आप खाली इक्विटी को एज ए एसेट क्लास देखकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आज का टाइम में प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाना जिसके लिए रेट्स अवेलेबल है, गोल्ड में पैसा लगाना जिसमें बॉन्ड अवेलेबल है। ऐसे एग्री के अंदर पिछले साल हमने एग्रीडेक को लॉन्च होते हुए देखा, 1000 से आज हमने करीबन 1600 के ऊपर का भाव देख रहे हैं। ये सीधा सीधा एक परफॉर्मेंस रिटर्न ही तो है। तो अगर आपको इनिशियल बेबी स्टेप्स लेने हैं कमोडिटी में एंटर करने के लिए, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे आपको डिलीवरी का मैकेनिज्म से दूर रखता है, आपको प्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप या प्योर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। सेकेंडली, लोगों को एक फर्म लेनी है कि इक्विटी में तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ हेल्प लेकर ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन कमोडिटी में भी आप टेक्निकल को यूज करके आप अपने ट्रेड्स को और अच्छा और बेटर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये एक्शंस हुए हैं, जो गवर्नमेंट, जो रेगुलेटर ने और एक्सचेंज ने जो स्टेप्स लिए हैं, काफी वेलकम स्टेप है। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि एग्री में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि हम कृषि प्रधान देश है तो एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगी, बट एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और मुझे लगता है ऐसे जो वेबिनार सुरेश जी कंटिन्यू करते हैं, एनसीडीएक्स भी टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं, तो ये एक प्रॉपर मैसेज जाता है कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी कमोडिटी। तो आई थिंक सुरेश जी, आज का जो सेशन है काफी बढ़िया, और एक्सचेंज ने भी जो स्टेप्स लिए हैं सेक्टोरियल इंडेक्स, अगर किसी को एडिबल ऑयल्स में लगाना तो वी हैव सोयाडेक्स, अगर किसी को गवार में इन्वेस्ट, राजस्थान में हम जानते हैं कि गवार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेट हमको काफी फॉरेन रिजर्व लेके आती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक एक सेक्टोरियल इंडेक्स भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है।